दोस्तों ये मेरे शहर का लोकल रोड है और टू लेन वाला रोड है, ये काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे एक बात याद आ गई थी, जॉन एलिया साहब की कुछ पंक्तियां हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला था कि किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट साइड में सफेद पट्टी दिखाई दे रही है आपको और राइट साइड में जो सफेद पट्टी डिवाइडर के साथ में दिखाई दे रही है, इससे हमें थोड़ा नजदीक तो रहना चाहिए लेकिन थोड़ा हटके रहना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि नुकीले पत्थर, कील और कूड़ा करकट जो भी है वो एक साइड में छटक के डिवाइडर के साथ में आ जाते हैं। जो डिवाइडर के साथ में जो सफेद पट्टी है उससे थोड़ा हटके हमें रहना चाहिए, नहीं तो हमारा टायर पंचर होने का खतरा बना रहेगा। तो ये जो सफेद पट्टी दिखाई दे रही है आपको डिवाइडर के साथ में, इससे हमें थोड़ा हटके ही ड्राइविंग करनी है, तो इस पट्टी से थोड़ा हटके रहे। तो जॉन एलिया साहब की ये बातें आज मुझे याद आई कि किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। दिन में काफी ट्रैफिक होता है, अभी सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे। तो मैं बोल रहा था कि टू लेन वाला रोड है यहाँ, तो या तो हम इसमें लेफ्ट में चल सकते हैं या राइट में चल सकते हैं। अगर लेफ्ट से निकालने की कोशिश करेंगे तो आगे कंजेस्ट है थोड़ा सा, इसलिए राइट में ही रखें गाड़ी को, क्योंकि इधर उधर से स्कूटर वाले, साइकिल वाले ये जो है आते रहते हैं और आगे भारी वाहन चल रहे हैं। तो हमें अभी आगे निकलना है इनसे। तो भारी वाहन राइट में चल रहा है तो इसलिए हमें इसको लेफ्ट से जो है ओवरटेक करना पड़ेगा। वैसे तो लेफ्ट से जो है ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए हमें, हमेशा राइट से ही ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि वो राइट में चल रहा था इसलिए हमने लेफ्ट से ओवरटेक करके आगे बढ़े हैं। ये देखो स्पीड ब्रेकर है आगे, और स्पीड ब्रेकर को बड़े ही आराम से हमें पार करना है। हम क्या करते हैं स्पीड ब्रेकर में, स्पीड तो कम कर लेते हैं लेकिन हम गियर चेंज नहीं करते हैं, तो स्पीड ब्रेकर पे हमें गियर जरूर चेंज करना चाहिए। ये देखो आगे भी स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर पे कम से कम दो नंबर गियर तो आप लगा ही लो, क्योंकि उसी गियर में अगर हम स्पीड ब्रेकर पे अगर हम स्पीड कम करके और इसी गियर में हम चलते हैं तो ये हमारी गाड़ी की सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमें स्पीड ब्रेकर पर, ये देखो आगे भी स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी को आहिस्ता करते हुए और गियर चेंज पक्का करें। ये देखो आगे एक ट्रैफिक लाइट है, जो येलो लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, तो ऐसे चौराहों पर हमें बड़े ही संभल के गाड़ी पार करनी है। ये देखो इस टाइप से, क्योंकि चारों तरफ से बेधड़क वाहन चल रहे हैं, तो इस तरह की जो ब्लिंक करती हुई येलो लाइट अगर आपको मिले तो ऐसे चौराहों पर जो है बड़े ही आराम से गाड़ी को पार करें, चारों तरफ देखते हुए अलर्ट रह के, क्योंकि ऐसी ब्लिंक लाइट जो है वो येलो लाइट ये मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा मिलती है, बाद में शायद इसका कुछ टाइमिंग होगा तो वो अपने आप एक्टिव हो जाती है। देखो आगे भी एक लाइट आ रही है ब्लिंक करती हुई, तो ऐसी जगह पे, ये देखो सामने है, तो ऐसी जगह पे जो है हमें, ये देखो ब्रेकर भी दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया है, ब्रेकर दिया है और ये ब्लिंक करती हुई लाइट ये बोलती है कि हमें जो है इस चौराहे पे जो है हमें बड़े ही आराम से पार करना चाहिए। ये चौराहा टू लेन वाला रोड है और इसमें हमें राइट में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में तो कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं काम हो रहा है, देखो नाले का काम भी चल रहा है यहाँ पे, तो हमें जो है राइट में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाली जो लेन है वो बस और ट्रक के लिए, हैवी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए होती है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है वो
आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप चलते हैं तो हिडन कैमरास कहाँ लगे हैं कोई पता नहीं है, तो आपका चालान जो है वो कट के आ जाएगा। मेरा भी चालान कटा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हिडन कैमरास, ये देखो सामने बिल्कुल लगे हुए हैं हिडन कैमरास, ये देखो सामने लगे हुए हैं कैमरे, ये स्पीड कैमरे हैं, गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट करते हुए ये कैच कर लेते हैं और आपको विद फोटो, गाड़ी की स्पीड और विद फोटो जो है वो आपके पास चलान आ जाएगा मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। इसलिए स्पीड जो है जो दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हम उसी में ही चलें। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, तो आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। थैंक यू।